दोस्तों मैं नीरज और वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, आप जो प्यारे से सामने फ्लावर देख रहे हैं, इसी प्लांट की आज जो है मैं केयर आपको बताने वाला हूँ। और ये जो प्लांट है हमारा गुल मेहंदी यानी बालसम, इसको इस नाम से जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप जो समर्स की जब सीड्स बाय करते हैं तो उन्हीं में जो है इसके सीड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो है हमारा समर्स का प्लांट है। तो समर्स में अब इसके जो सीड्स हैं आप फरवरी मार्च में ग्रो कर सकते हैं। अब देखिए जान लेते हैं इसकी जो हम केयर है वो कैसे जाननी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर सबसे पहले मैं बात करूँ तो इसके जो कलर्स की, तो इसमें जो कलर्स है आपको काफ़ी सारे कलर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें रेड, पिंक, वाइट और भी कलर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके जो सीड्स आप बाय करते हैं तो आप मिक्स वाले सीड्स बाय कीजिए, तो आपके जो कलर्स हैं वो काफ़ी यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे। वैसे जो प्लांट है आपको नर्सरी में मिल जाएगा, लेकिन इसके जो आप सीड्स से अगर ग्रो करेंगे तो काफ़ी अच्छे से रहता है। इसके सीड जो है कहूँ कि आप सरसों के दाने जैसे इसके सीड्स थोड़े रहते हैं, तो सीड्स इसके इडली से ग्रो हो जाते हैं। तो सीड्स ग्रो करने के लिए जो आप कोको कीट वगैरह में जो इसके सीड्स ग्रो कर सकते हैं वहाँ पे इडली से ग्रो आपके हो जाएंगे। तो जैसे आप और सीड्स बाय करते हैं वैसे आप इसके सीड्स हैं और उसको है ग्रो कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो है मैं कहूँगा केयर के बारे में। तो देखिए जो प्लांट है जो आप इसे ग्रो कर लेते हैं, देखिए आपको कैसे इसकी जो मिट्टी यहाँ पे रेडी करनी है। तो मिट्टी आपकी मैं बता दूँ जो इसकी है, आप कोशिश कीजिए इसकी जो मिट्टी है आप थोड़ी पॉरस टाइप की बनाइए, यानी कि थोड़ी वेल्टरी मिट्टी यहाँ पर रहनी चाहिए। और इसमें मिट्टी में अगर आप कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं तो इस प्लांट के लिए काफ़ी अच्छे यहाँ पे रहता है। क्योंकि इस प्लांट को अगर मैं बात करूँ कोकोपीट की, तो इस प्लांट को जो है थोड़ी नमी यहाँ पे अच्छी लगती है। अगर इस प्लांट में नमी बनी रहेगी तो आपका जो प्लांट है अच्छे से यहाँ पे ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग आपको अच्छे से देखने को मिलती है। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जैसे कि इसकी जो सॉइल है तो कैसे यहाँ पे रेडी करनी है। तो सॉइल रेडी करने के लिए जो है आप इसका जो है 60% जो है गार्डन सॉइल और जो है 20% जो है इसमें वर्मी कंपोस्ट, बाकी में जो आपका कंस्ट्रक्शन या जो कोकोपीट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में यह थोड़ी नीम की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए बात की जाए इसकी जो सनलाइट रिक्वायरमेंट है वो कैसे यहाँ पे रहती है। जैसे कि आपने जाना कि समर्स का प्लांट है तो समर्स के लिए इसको जो है फुल सनलाइट आप इसको दीजिए, लेकिन दिन की तेज़ कहूँ कि जो सनलाइट है उससे आपको इसको बचाना है। अगर ज़्यादा तेज़ गर्मी आपके यहाँ रहती है तो फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिए कि इसको थोड़ा आप पार्शियल लाइट आप इसको दीजिए और उसमें प्लांट आपको अच्छे से बना रहेगा। अगर आप तेज़ सनलाइट में इसको रखते हैं तो वहाँ पर आपका क्या है कि प्लांट में देखिए अगर वाटर की कमी हुई तो ये जो प्लांट आपका झुक जाता है, और ऐसे ही फिर आप इसमें पानी डालेंगे फिर ये आपका सीधा हो जाएगा। तो कई बार इस तरह से आप डेली इसकी जो प्रक्रिया है अगर वो इस तरह से दोहराते रहेंगे तो फ्रेंड्स इसमें मैं कहूँ कि जो प्लांट है कमज़ोर पड़ जाता है और उसके बाद जो है अच्छे से फ्लावर आपको नहीं दे पाता है। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें जो आप नमी बनाए रखिए, और देखिए ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ने पे आप एक काम और कर सकते हैं कि इसका जो है सभी प्लांट्स को जो है आप आपस में जो है जोड़ जोड़ के रह सकते हैं, ताकि उसमें जो है आपके प्लांट्स में जो है नीचे जो नमी है वो बनी यहाँ पे रहेगी। और जैसे ही बरसाती सीज़न वगैरह आते हैं, रेनिंग सीज़न आता है, तो उसमें जो मैं जो अपने प्लांट को आप दूर दूर कर दीजिए ताकि उसमें जो है वायु क्रॉस कर सके यानी एयर पास हो सके। क्योंकि उस समय पे देखिए कहूँगा जो मॉइस्चर लेवल है काफ़ी वायु में जो नमी है वो बन जाती है, इसलिए जो आप अपने प्लांट को उस समय पे खोल दीजिए। और जैसे मैंने आपको वाटरिंग बताई है तो इसमें जो है मॉइस्चर लेवल आपको बना के रखना है, तो आप कोशिश कीजिए इसमें मॉइस्चर लेवल बने। जैसे आपको जो है मॉइस्चर लेवल कम दिखता है तो उसमें जो आप पानी ऐड कर दीजिए। अगर बात की जाए देखिए इसमें क्या होगा कि जो है पेस्टिसाइड वगैरह की कैसे इसमें आपको इस्तेमाल करना है, तो देखिए इसकी जो लीव्स है इसमें जो है वाइट फ्लाई का आपको अटैक दे सकता है। तो और इस तरह से देखेंगे आप जो है मिली बग वगैरह का भी इस पर भी आपको अटैक देखने को मिल सकता है। और ये जो मेरा प्लांट है कहूँगा तो लास्ट सीजन का है देखिए, इसलिए आपको इस तरह से उसकी जो राहत अभी थोड़ी दिख रही है इसकी, और मैंने भी जो है नया ग्रो नहीं किया है। तो इसके प्लांट पे देखिए आपको जो पेस्ट अटैक काफ़ी देखने को मिल सकता है। तो इसके जो पत्तियाँ हैं अगर आप इस पर देखिए पाउडर मिल्ड्यू वगैरह अटैक दिखते हैं, यानी कि जो सफ़ेद सफ़ेद सा रहता है, तो फ्रेंड उसको आपको क्या करना है कि आप उसको नीम और वगैरह से कर सकते हैं, लेकिन उससे वो कम दूर होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि उसकी जो पत्ती है तोड़ के आप अपने गार्डन से दूर फेंक दीजिए। और यहाँ पे देखिए इस पर और इस तरह जो क्योंकि एफिड्स वगैरह अटैक दिखते हैं, तो नीम वगैरह के आप इस पर स्प्रे ले सकते हैं। और मिली बग तो आप तो जानते हैं काफ़ी ज़िद्दी रहता है, तो इसके लिए आप जो इस्तेमाल करना चाहे वो यहाँ चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी केमिकल वगैरह का भी यहाँ पे स्प्रे लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। वैसे जो यहाँ पे इमिडाक्लोप्रीट का आप स्प्रे लेते हैं तो उससे जो आपका प्लांट क्लीन यहाँ पे हो जाएगा। इसमें जो फ्लावर है आपको गर्मी में बहुत अच्छे देखने से मिलते हैं, और इसमें इस तरह से क्या हुआ जो सीड्स पॉट है वो भी यहाँ पे रेडी होते हैं, तो काफ़ी सारे सीड्स है वो आपने नेक्स्ट सीजन के लिए इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। और ये जो प्रक्रिया है आपको क्या हुआ कि जब लास्ट में जो आप इस पर फ्लावरिंग आनी कम हो जाए तो उस टाइम पर आप सीड्स पॉट्स यहाँ पर रेडी कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ जो आप इस तरह सीड्स पॉट्स को हटा दीजिए ताकि आपके प्लांट में जो एनर्जी लेवल बना रहे और ये फ्लावरिंग जो है प्रोड्यूस यहाँ पर करते रहे।
और देखिए फ्रेंड्स इस प्लांट पे मैं कहूँगा जो फंगस अटैक है वो आपको अधिक देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से प्लांट है, आपने एक बार गर्मियों में क्या रहता है कि जैसे आप देखते हैं गर्मी पड़ती है तो हम प्लांट को वॉश कर देते हैं, तो फ्रेंड्स आप इसकी जो पत्तियाँ हैं वो बार बार आप गिली ना करें, अगर बार बार गिली करेंगे तो इसकी जो पत्तियाँ वो यहाँ पर गल जाती हैं और प्लांट पर जो फंगस वगैरह का अटैक हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए इसमें अगर वाटरिंग भी जब आप करें तो इसकी जो पत्तियाँ हैं वो गिली यहाँ पर न रहें, सिर्फ आप जो सॉइल में इस तरह से पानी आप डालें। अगर आपके प्लांट पे देखिए आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो आप जो है नीम वगैरह का स्प्रे ले सकते हैं पेस्ट के अटैक के लिए, और आप बाकी आप जो है यानी आप देखते हैं फंगस वगैरह का अटैक होता है तो आप जैसे यानी जानते हैं छाछ यानी लस्सी, तो उसका भी जो आपने प्लांट का जो क्या कि जैसे आपने देखे होंगे उसको जो है रेडी करके उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं अपने प्लांट पर, उससे भी जो आपका प्लांट यहाँ पे क्या जो पेस्ट वगैरह अटैक है वो कम आपको देखने को मिलेगा। बाकी जैसे टाइम टू टाइम जो इसमें जो फर्टिलाइज़र है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे इसमें जो फर्टिलाइजर क्या होंगे जो बर्ड्स इस पर जो फ्लावर की बनने लगे तो फ्रेंड्स इसमें आप वर्मी कंपोस्ट और जो इसमें थोड़ा अगर केमिकल यूज़ करना चाहते हैं तो DAP जो है आप उसमें 3-4 दाने वो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ जो आप इसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट या फिर जो आप बोन मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो फर्टिलाइजर रहते हैं थोड़े गर्म रहते हैं इसलिए जो आप इनको थोड़ा अवॉइड कीजिए, और इसमें आप जो सरसों के खली के जो फर्टिलाइज़र वो भी ऐड कर सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र। आप ये जब फर्टिलाइज़र है तो शाम के समय ही अपने प्लांट में ऐड कीजिए, और इस प्लांट को फ्लावरिंग लेने के लिए आप जो है सनलाइट जोर से दीजिए। अगर आप इसको अच्छे से लाइट नहीं देंगे तो आपको एक तो प्लांट है थोड़ा लैगी टाइप का हो जाएगा और इसमें जो आपको फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो ये थी इसकी छोटी सी केयर, आई होप दोस्तों आपको समझ में आई होगी, अगर समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।